वेलकम अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे इंस्टेंट गोश्त की रेसिपी। बीफ गोश्त है, फटाफट तैयार हो जाएगा और बहुत ही आसान है। तो चले बनाते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्रेस द बेल आइकन। बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसके लिए हमें बीफ का गोश्त चाहिए 1 kg। गोश्त ले लेंगे और इसको हमने अच्छे से वॉश कर लेना है। ये मैंने वॉश करके रखा हुआ है। बड़े बड़े पीसेस हैं, आप कितने पीस रखने हैं उस हिसाब से रखें। 2 tablespoons हमने कुटी हुई मिर्ची लेनी है, रेड चिली फ्लेक्स 1 tablespoon, कोरिएंडर पाउडर यानी सूखा धनिया 1 tablespoon, जिंजर पाउडर, अदरक का पाउडर 1/2 tablespoon, गरम मसाला 1.5 tablespoon, सॉल्ट और 1/2 tablespoon हल्दी, 2 टमाटर लार्ज साइज के, इनको अपने कट कर लेने, रफली चॉप कर लेने, और 2 ही प्याज लेने, 2 टमाटर 2 प्याज और 20 से 25 जवे लहसुन के, देसी लहसुन है, इसमें पेस्ट भी डाल सकते हैं। ये इसको कूटने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास साबुत है तो साबुत डाल दें। हमने सबसे पहले गोश्त डालना है 1 kg के, प्याज और धनिया एक एक करके, टमाटर, और ये सारे मसाले जात ये भी ऐड कर देने। घी डालने 1/2 cup या 3 spoon बड़े भर के, ये बड़े स्पून है, और इसमें हमने 2 cup पानी ऐड करने। ये मैंने 2 full cup किए थे, 1/2 है 1/2 मैंने पहले कर दिया था। 2 cup हमने इसमें, और इसको हमने प्रेशर लगा देना है 20 मिनट के लिए, और आंच हमने हाई करनी है। लेकिन आपने इसका ख्याल रखना है कि आपका गोश्त चले ना। हमने प्रेशर खोला है और देखे कितने अच्छे से हमारा गल गया। इसको हमने अब हम भूनना है, अच्छे से हमने इसको भूनना है। साथ अपने पानी भी साथ साथ ऐड करना है। पानी ऐड करते हुए तेज आंच पे हमने इसको भून लेना है और चेक भी करना है गोश्त गला है कि नहीं। 20 से 25 मिनट तक गोश्त गल जाता है, आपके प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। ये फटाफट बन जाता है, बहुत इजी है, सब कुछ इकट्ठा डाल के बन जाता है। बस से इतना टाइम लगता है, पहले प्याज फ्राई करो, लहसुन टमाटर मसाले भूनो, फिर गोश्त डालो, ये फटाफट बन जाता है इंस्टेंट गोश्त है। खाने भी में भी बहुत मज़ेदार है। और आपने भून के अपने मुताबिक जितनी भी ग्रेवी रखनी है रखें। मैंने 1 cup की है और इसको मैं 2 मिनट तक पकाऊंगी फुल आंच पे, ये आप पे डिपेंड करता है आपने कितनी रखनी है। 1/2 tablespoon हमने ब्लैक पेपर लिए, 2 हमने चिली उनको कट कर लिए, अगर आप स्पाइसी इतना नहीं खाते तो ना ऐड करें, और ये भी हम लोग ऐड कर देंगे। मज़ेदार से हमारा गोश्त रेडी हो गया। आपने अपने मुताबिक ग्रेवी रखनी है, जितनी भी रखनी है मैं इतना इतना रखूंगी।
आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया और हमारा गोश्त सही से टेंडर हो चुका है, बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुका है। अब हम इसको प्लेट में सर्व कर लेंगे। ये देखिए कितने मजे का कलर आया और कितने जल्दी तैयार हो गया है। आधा घंटा लगता है, फटाफट हमारा बीफ गोश्त तैयार और इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अगर आपको मेरी बीफ गोश्त की रेसिपी अच्छी लगी हो इंस्टेंट गोश्त की, तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको एक रेसिपी कैसी लगी। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।